नमस्कार दोस्तों, आज हम इस वीडियो में iQOO Z6 5G वर्सेस Samsung Galaxy A33 5G का फुल डेप्थ कंपैरिजन करने वाले हैं। इसके अलावा इसी कीमत में आने वाले दूसरे स्मार्टफोन की जानकारी भी आपको वीडियो के लास्ट में देंगे। सबसे पहले बात करते हैं दोनों फोन के डायमेंशन की। दोनों फोन की लेंथ की बात करें तो iQOO Z6 5G में 6.46 इंच जबकि Galaxy A33 5G में 6.29 इंच की लेंथ मिलती है, जो कि iQOO Z6 5G से कम है। विड्थ की बात करें तो iQOO Z6 5G में 2.98 इंच जबकि Galaxy A33 5G में 2.91 इंच की विड्थ मिलती है, जो कि iQOO Z6 5G से कम है। बात करें थिकनेस की तो दोनों फोन में सेम ही 0.32 इंच की थिकनेस मिलती है। अब बात करते हैं वेट की तो iQOO Z6 5G में 185 ग्राम जबकि Galaxy A33 5G में 186 ग्राम का वेट देखने को मिलता है, जो कि सेम जैसा ही है। तो चलिए अब हम डिस्प्ले को कंपेयर करते हैं। डिस्प्ले टाइप की बात करें तो iQOO Z6 5G में IPS LCD जबकि Galaxy A33 5G में Super AMOLED की डिस्प्ले मिलती है। एस्पेक्ट रेशियो दोनों फोन में सेम ही 20:9 मिलता है। डिस्प्ले साइज की बात करें तो iQOO Z6 5G में 6.58 इंचेस जबकि Galaxy A33 5G में 6.4 इंचेस मिलती है। डिस्प्ले रेजोल्यूशन iQOO Z6 5G में 1080x2408 और Galaxy A33 5G में 1080x2400 मिलता है। स्क्रीन टू बॉडी रेशियो iQOO Z6 5G में 84.09% जबकि Galaxy A33 5G में 83.68% मिलता है। बात करें PPI डेंसिटी की तो iQOO Z6 5G में 401 पिक्सल प्रति इंच जबकि Galaxy A33 5G में 411 पिक्सल प्रति इंच मिलती है। अब देखते हैं डिस्प्ले के अन्य फीचर्स यानी विशेषताएं की, जो कि मोबाइल फोन का महत्वपूर्ण हिस्सा है। अब बात करते हैं सबके पसंदीदा फीचर्स कैमरा की। दोस्तों, सबसे पहले बात करें मेन कैमरा की तो iQOO Z6 5G में 3 कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि प्राइमरी कैमरा, मैक्रो कैमरा और आखिर में डेप्थ कैमरा देखने को मिलता है। और Galaxy A33 5G की बात करें तो इसमें 4 कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि प्राइमरी कैमरा, अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा, मैक्रो कैमरा और आखिर में डेप्थ कैमरा देखने को मिलता है। बात करें वीडियो कैमरा की तो iQOO Z6 5G में 7 डिफरेंट टाइप के फीचर्स मिल जाते हैं और Galaxy A33 5G की बात करें तो उसमें 8 डिफरेंट टाइप के फीचर्स मिल जाते हैं। अब बात करें फ्रंट कैमरा यानी कि सेल्फी कैमरा की तो iQOO Z6 5G में सिंगल कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि 3 डिफरेंट फीचर्स मिलते हैं और Galaxy A33 5G में भी सिंगल कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें 4 डिफरेंट फीचर्स मिलते हैं। आइए अब बात करते हैं हार्डवेयर के बारे में, जिसमें हम CPU, GPU, RAM की इन्फॉर्मेशन देखते हैं। हार्डवेयर में सबसे पहले CPU, जो कि स्पीड के हिसाब से देखा जाए तो फोन में सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है, उसकी डिटेल्स देखते हैं। GPU की बात करें तो iQOO Z6 5G में Adreno 619 जबकि Galaxy A33 5G में Mali-G 68 मिलता है। चिपसेट की बात करें तो iQOO Z6 5G में Qualcomm Snapdragon 695 और Galaxy A33 5G में Samsung Exynos 1280 मिलता है। बात करें RAM की तो iQOO Z6 5G में 3 वेरिएंट देखने को मिलता है, जिसमें 4GB, 6GB, 8GB की RAM मिलती है, जबकि Galaxy A33 5G में एक ही वेरिएंट देखने को मिलता है, जिसमें 6GB RAM मिल जाती है। बात करें इंटरनल मेमोरी, जिसको हम स्टोरेज भी कहते हैं, वो iQOO Z6 5G में 3 वेरिएंट देखने को मिलता है, जिसमें 128GB, 128GB, 128GB की स्टोरेज मिलती है, जबकि Galaxy A33 5G में एक ही वेरिएंट देखने को मिलता है, जिसमें 128GB स्टोरेज मिल जाती है। एक्सपेंडेबल मेमोरी दोनों फोन में अप टू 1TB है। ऑपरेटिंग सिस्टम दोनों फोन में Android V12 देखने को मिलती है। बैटरी की बात करें तो दोनों फोन में 5000 mAh देखने को मिलती है। आइए अब मेन फीचर को देखते हैं।
कलर्स की बात करें तो iQOO Z6 5G में दो कलर्स जबकि Galaxy A33 5G में चार कलर्स ऑप्शन मिलते हैं। सब इन्फॉर्मेशन देखने के बाद बात करें प्राइस की तो iQOO Z6 5G में तीन वेरिएंट देखने को मिलते हैं, जिसमें कि 4GB रैम 128GB स्टोरेज के साथ 15,499 रुपीस, 6GB रैम 128GB स्टोरेज के साथ 16,999 रुपीस, 8GB रैम 128GB स्टोरेज के साथ 17,999 रुपीस में मिलता है। और बात करें Galaxy A33 5G की तो उसमें एक ही वेरिएंट मिलता है जो कि 6GB रैम 128GB स्टोरेज के साथ 23,999 रुपीस में मिलता है। दोस्तों अब बात करते हैं प्रॉन्स एंड कॉन्स यानी कि फायदे और नुकसान की तो iQOO Z6 5G में 7 फायदे और 1 नुकसान देखने को मिलता है, जबकि बात करें Samsung Galaxy A33 5G की तो उसमें 7 फायदे और 2 नुकसान देखने को मिलता है। फाइनली बात करें है रिजल्ट की तो डिस्प्ले में Galaxy A33 5G आगे है, मेन कैमरा में iQOO Z6 5G आगे है, फ्रंट सेल्फी कैमरा में दोनों फोन सेम ही है, परफॉर्मेंस में Galaxy A33 5G आगे है। दोस्तों अब हम सेम प्राइस में आने वाले दूसरे फोन को भी देख लेते हैं। पहले कॉम्पिटिटर फोन की बात करें तो उसमें Infinix Z8 आई है, दूसरा Moto G 5G है, तीसरा OnePlus 9 Pro है और लास्ट कॉम्पिटिटर फोन की बात करें तो उसमें Oppo F19 Pro Plus 5G है। और ये सारे फोन की डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है या आपके किसी भी काम में आया है तो प्लीज़ लाइक करना मत भूलना।